सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। एंड आज है, कल आप लोगों ने देखा, मतलब कि पहले आप लोग देख रहे थे मॉर्निंग राइड, उसके बाद कल आप लोगों ने देखा इवनिंग वाला राइड, एंड आज आप लोग देख रहे हो कौन सा राइड? नाइट वाला राइड। तो हम लोग अभी नाइट राइड करने वाले हैं। फिलहाल तो मैं अभी जाके, मतलब कि मैं अभी घर से आते टाइम पेट्रोल भर के आया, ठीक है। तो जो भी है वो वाला ट्रिप आप लोग पहले देखो, तब तक हम निकल जाते हैं इधर से एंड और भी वीडियोस बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप वो वाला राइड एंजॉय करो एंड हम लोग थोड़ा घूम के आते भाई, क्या बोल दो? चलो गाइस। तो अभी फिलहाल गाइस मैं निकला हुआ हूँ TVS सेंटर के लेके। देख सकते हो, पता नहीं वीडियो का क्वालिटी वगैरह क्या कुछ आ रहा होगा। एंड तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल एकदम सा ब्लिंक कर रहा है इस पर। अगर बीच रास्ते में बंद हो गया तो ख़त्म भाई, मेरे को कॉल नहीं जाना पड़ेगा इसको लेके सीधा तेल डालवाने। और बाकी आज वाला होगा नाइट राइड, वैसे कल बनाया था इवनिंग राइड, ठीक है। तो इसके चलते आज नाइट को निकला हूँ एंड अभी टाइम हो रखा है 8:30 बज रहा होगा टाइम तकरीबन। एंड इसमें ब्रेक का भी इशू है, तो जो भी है क्या ही बोलो दोस्तों। एंड हैंड गार्ड, लेग गार्ड वगैरह सब कुछ लगा करके निकला हूँ मैं अभी। और बाकी वीडियो का क्वालिटी क्या कुछ आ रहा होगा बताना। वैसे तो वो नहीं आ रहा होगा इसमें, वाइड एंगल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं बाजार को निकल लेता हूँ, बिना बाजार के चलाता हूँ अभी मैं गाइस। थोड़ा सा इसको लेके मेरे को सीधा जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। अभी साउंड में थोड़ा सा दिक्कत आएगा गाइस, बट कोई नहीं, मेरे को दिखने में दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से बाजार को खुलना पड़ा। तेल तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर ये रुक जाएगा। अगर रास्ते में ख़त्म हो गया तो ख़त्म, अगर पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो साला ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत है, तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी तो नहीं जा पा रहेगा इस। और बाकी वीडियो का एंगल वगैरह क्या कुछ है कुछ तो पता नहीं, आई थिंक अच्छा ही आ रहा होगा। एंड ये जो है साधु भाई का स्कूटी है, ठीक है। तो वो अभी जहाँ पर रहता है वहाँ पर स्कूटी रखने का जगह नहीं है, इसलिए मेरे पास रहता है अब ये वाला स्कूटी भी। मेरे पास तो मैस्ट्रो है ही। और बाकी ओला जो है, ओला सारे के सारे, ओला का शोरूम है हमारे यहाँ पे, वही वहाँ पे रहता है। साला ट्रैफिक जाम की वजह से तेल ना ख़त्म हो जाए। एंड चारों तरफ पुलिस वगैरह है, बट क्या ही करें, अगर हम अपने को ये लोग भाग रहे पुलिस की वजह से, अगर अपने को पकड़ लेगा तो ख़त्म। आई होप कि नहीं पकड़े, मतलब सामने तो बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहेगा एंड बहुत सारा पुलिस भी है। मैंने जब घर गया था इधर से तब देखा था, चारों तरफ बस पुलिस वाले ही। अपने को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अपने को जाना है जल्दी से पेट्रोल पंप पे, ठीक है। एंड फिलहाल तो कॉलेज किला में पहुंच चुके हैं, कॉलेज किला लेक के पार। तो इधर से जा रहे हैं, तो इधर से सीधा कल्लानी को जाएंगे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। तो आज नाइट मोटो ब्लॉगिंग हो रहा है रात को, क्या ही बोले भाई, वो भी अपने मोबाइल से। कैमरा वैमरा कुछ भी है नहीं अपने पास आजकल। एंड यहाँ पे मिलता हुआ थोड़ा बहुत तो वाटर क्रॉसिंग, बाप रे ऐसे जगह पे तो पता भी नहीं चलता क्या कुछ सीन रहता है। एंड पहले तेल भर आके आएंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ एक गलत सीन हो गया था। एक्चुअली वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो रहा था लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, फ़ोन में ही पता नहीं क्या कुछ दिक्कत आ रखा था। तो क्या ही बोलूँ, तो देखते हैं अभी क्या ही कर सकते। तो यहाँ से तेल डालते फिर चलते साधु भाई को पिक करते, देन देखते हैं कहाँ पर चलते। तेल तो इसमें 100 रुपये का डाल दिया है मैंने, तो देखते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, पास में ही जाएंगे। तो ये है TVS सेंटर के, देख ही सकते हो साधु भाई का। तो फिलहाल तो चेंज भी आंटी जी ने मेरे को दे दिया, तो अभी चलते हैं साधु भाई को लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बनाया था बट साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड जैसे कि मैंने कहा ही था, मतलब कि मेरे को लगा ही था साधु भाई स्कूटी चलाएगा और मेरे को नहीं दिएगा, नहीं दे रहा है, खुद चला रहा है। अभी फिलहाल हम लोग पूरा खाली खाली। तो गाइस जब हम लोग इधर से नॉर्मली निकलते हैं तब बहुत ज़्यादा जाम रहता है, और आज हम लोग वीडियोस बनाने के लिए निकले हैं और आज जाम नहीं है भाई इधर पे, क्या ही बोले।
लेंस निकाल दिया अभी। एंड दोस्तों अभी हम लोग चढ़ चुके हैं फ्लाईओवर पे, पूरा खाली खाली फ्लाईओवर है, ये देखो दोस्तों पूरा खाली खाली फ्लाईओवर है दोस्तों। डेली लाइट होता है लेकिन आज लाइट नहीं है खंभे पे, बताओ हम जिस दिन आते हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारा किस्मत ही खराब है। कैसे लग रहा है तो रात को हम लोग पहुंच चुके साइंस सिटी के पास में, मतलब इधर से गुजर रहे थे तो भाई बोला इधर रुकते हैं। एंड ये देखो ये अभी भी खराब वाला कैमरा लगा के रखा है। तो गाइस अभी हम लोग इधर से जा रहे थे तो इधर पे रुक गए साइंस सिटी के पास में। ये देखो कौन है, ये बोल रहा है इसको एक शॉर्ट वीडियो बना के देने के लिए। किधर है तुम, आ ही नहीं रहा है कैमरा, ये मेरा हेलमेट का पीछे जाके झुक रहा है भाई। तो जो भी है इसको एक दो वीडियो बना देते। एंड स्कूटी दिखाओ, ये देखो इसका स्कूटी टीवीएस सेंटर, कौन सा मॉडल है ये, रेस एडिशन है लेकिन किसी भी काम का नहीं है। किसी काम का है ये, बहुत काम का है ये, किसी दीवार को এমনি দিবা কোন মডিকা আছে তুমি কালি মানে এটা মানে তুমি দেখাই দাও ভিডিও বানাই দাও সুজা করিয়া আমি ইয়ান কি হাইট কে মানে ইয়ানে দেখাই মু আচ্ছা ভিডিও বানাই দাও কিরা কেমন আছে ভিডিওটা কেমন আছে দেও না ভালো হইছে পরে দেও ও দেও দেও না দেও না ফটো মে কিসনে वाला था ये किसके अभी बैठा है क्या बोल रहा है नहीं अभी तो सही आ रहा है लेंस लगा ले बुलाए ना अभी तो सही आ रहा है तो गाइस अभी हम लोग है अगरतला का साइंस सिटी पे तो वैसे ही घूम रहे थे तो जो भी है फिलहाल तो और ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं इधर पे ही चलते इधर से भी चलो चलो आ जाओ तो इधर से भी चलते अभी और कहाँ पे ही जाएंगे घर की तरफ ही चलेंगे और कहाँ पे जाएंगे देखते अभी भूख भी लग चुका है तो देखते भाई कुछ खिलाता है कि नहीं अगर नहीं खिलाता तो मेरे को ही खिलाना पड़ेगा। तो गाइज अभी फिलहाल फिर से थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग करने का कोशिश करता हुआ है। मैदुरा कैसे एबार एबार से मैदुरा इधर मैदुरा हमारा खाली डेढ़ मिनट आए थे सामने रही ओडा खाली सामने रही ओडा इधर से रास्ता मस्ता दिया था ना 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 इधर से ना है आई से बालाई तो नॉल पे है वो मरी ओडा तो आठ मिनट चलने चलेगी तो गायज साउंड का थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि बैजर खुल के रखा हो दिखता नहीं है ना रात का टाइम पे। तो भाई को बोलता हूँ मैं दिन में ब्लॉग बनाने के लिए निकलेंगे नहीं, ये भाई आज जीत पकड़ के बैठा है कि आज ही निकलेगा अभी ही निकलेगा तो इसलिए निकले थे। एंड पता नहीं क्या आ रहा होगा, बहुत ही घटिया क्वालिटी आ रहा है शायद, रास्ता पे भी अच्छा से दिख नहीं रहा है, रास्ता पे भी इतना ज़्यादा लाइट नहीं है। दिया तो बहुत ही साइड है ना, एंड यहाँ पे सीएनजी स्टेशन है इसलिए इतना सारा गाड़ी है एंड वो भी रॉन्ग साइड पे। मेरा पूरा डर
ये देखो बहुत सारा गाड़ी है इधर पे एंड सारा कुछ रॉन्ग साइड में है। किस लिए पता है? सीएनजी स्टेशन है इधर पे, सीएनजी भरवाने के लिए लोग इधर पे है। राय ना बीडू